अगला पहला सवाल, सवाल आपसे है, आपने कहा था राधिका जी से, राधिका जी से आपने कहा था कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे चल रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि जब संविधान ने सभी को समान संरक्षण दिया है कानून के अंदर, तो सजा का प्रावधान भी तो समान है, चाहे गरीबों पे चले या अमीरों पे, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम कहते हैं 15 साल से भाजपा एमसीडी में है और अधिकतर जगहों पे इनके पार्षद हैं, उन्होंने आंख बंद करी, पैसे लिए, निर्माण होने दिए और उन लोगों के घर पे चाहे सारा निर्माण अभी हुआ है, जितने सालों से हुआ है, जितने निर्माण हुए, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा है। मैं जहांगीरपुरी में जहाँ गई थी राधिका जी, सच्चाई से बता रही हूँ, जिस घर में मैं गई थी उसने खुद ही माना कि अतिक्रमण करके उसने कंस्ट्रक्शन किया है, वो तो कह रहा था 70 साल पहले हमारा परिवार यहाँ आया था। इस पे जांच होनी चाहिए, अगर जो घर और ये इन्हीं लोगों की बसाई हुई आबादी थी। घर पे कब बुलडोजर चलेगा ये शहजाद जी बताएंगे अभी। मेरा सवाल शहजाद जी और आपसे सर, अभी 15 मिनट से हम लोग सुन रहे हैं, उन दोनों ने एक बार भी किसी धर्म का बात नहीं किया, आप दोनों बार बार भगवा और अलग अलग धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इन्होंने एक बार नहीं किया है, अभी हम 15 मिनट से सुन रहे हैं। और सर एक सवाल और है, आप अभी बहुत कसकस के बोल रहे थे कि राजस्थान में दंगा हो रहा है रोज रोज, आपने मध्य प्रदेश का बात नहीं बोला, आपने जो और गुजरात में हुआ उसका नहीं बोला, दिल्ली की पुलिस को निकम्मी आपने नहीं बोला, ऐसा क्यों किया? मैं इसका जवाब देखिए, पहली बात तो कि रंग को लेकर की बात थी, तो हरा रंग जो है वो मरुस्थल वालों के लिए हो सकता है कि बहुत पवित्र हो, जो धर्म मरुस्थल के से निकला हुआ है, बियाबान से निकला हुआ है, उसके लिए वो बड़ा होता है। हमारा देश तो हरा भरा था, इसलिए हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा उसके लिए उसमें कोई धार्मिक रंग हम लोग देखने नहीं गए। शहजाद जी सब सवाल आपसे थे, आप अपने शासित राज्यों की बात क्यों नहीं करते? देखिए, एक तो ऐसा है कि इस देश में दो मॉडल है, एक मॉडल है योगी मॉडल, और योगी मॉडल क्या है कि 50,000 लाउडस्पीकर हटते हैं, राम जानकी मंदिर से भी हटता है और सुन्नी जामा मस्जिद से भी हटता है। एक मॉडल योगी का है जिसमें बदन सिंह बद्दो पर भी कार्रवाई होती है, मौलाना साहब योगी का नाम लेकर भड़कना शुरू हो गया आपका, नहीं योगी का नाम लिया रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन अच्छा है, ये दोनों का रिएक्शन बहुत अच्छा है, ये देखा, इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। वो पूछ रहे हैं बीजेपी वालों के घर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहां चलेगा, मैं जवाब तो दूं, पहले आपका देता हूं फिर इनका देता हूं। ठीक है, दोनों का दे रहा हूं। तो पहले तो ये योगी मॉडल है जो बिना कोई भेदभाव के कार्रवाई करता है, मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी हो जिसपे ये बिलकते होते हैं, या चाहे बदन सिंह बद्दो की प्रॉपर्टी हो, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, धीरज रखिए राधिका जी, नहीं धीरज नहीं है, आप जनता के साथ मुझे पता है आपको धीरज नहीं है, आपको धीरज नहीं है, आप जवाब कीजिए, बीजेपी नेता, बीजेपी नेता, पहले मैं अपना जवाब दूंगा फिर इनका जवाब दूंगा। देखिए, योगी मॉडल एक है, आदेश गुप्ता के एक है योगी मॉडल, और दूसरा आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, ऐसा है, जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे मौका दे, ठीक है, मैं दूंगी मौका, आप जवाब दीजिए। गुप्ता, इन्होंने 6 बार बोल दिया आदेश गुप्ता, 6 बार बोल दिया आदेश गुप्ता, तारीख बताइए, तारीख, अब सुन लीजिए, 6 बार इन्होंने आदेश गुप्ता बोला, आदेश गुप्ता के खिलाफ जो शिकायत आपने की है मुझे दिखा दीजिए। मैं क्यों शिकायत करूं? शिकायत की नहीं, इनके पास कोई सबूत है नहीं, अगर सबूत होगा तब तो शिकायत करूंगा, सबूत के किसने शिकायत की थी? मस्जिद के बाहर जो 12 दुकानें तोड़ी गई, किसने शिकायत की थी? आप दिखाइए शिकायत, एक सेकंड, शिकायत दिखाइए, फिर छोड़ दीजिए यदि उनके पास, हाँ तो विवेक लगाए ना गुप्ता जी पे, भी विवेक लगाए, ठीक, एक सेकंड, रमन झा की दुकान हो या चाहे वो दुकान हो, इन्होंने कंप्लेंट करी हो तो दिखाए कागज। देखिए, मैं भी अतिक्रमण कर सकता हूँ, कागज तो अपने, दिखाओ, मैं भी अतिक्रमण कर सकता हूँ, मुझे बुलडोजर चलाना भी आता है, तारीख बताओ या कागज दिखाओ, बुलडोजर चलाना भी मुझे आता है, तारीख बताओ या कागज दिखाओ, ठीक है राधिका जी प्लीज, तारीख बताओ, कागज दिखाओ, देखिए जो लोग कल तक कहते थे मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, आज बोले कागज दिखाओ, तारीख बताओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, तारीख बताओ, अच्छा, अच्छी बात है, आप कागज और तारीख पे आ गए, अच्छी बात, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनका कहना है कि हम आदेश गुप्ता को बचा रहे हैं, इनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, इनके वकील हिजाब मामले में चले जाते हैं, इनके सारे वकील अब जहांगीरपुरी में चले गए, पर इनका एक शिकायत दर्ज करने वाला कोई वकील है कि आदेश गुप्ता के घर पे कौन से अवैध अतिक्रमण किया गया है, अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है, ये अभी तक नहीं कर पाए। एमसीडी का काम कांग्रेस के वकील करे, नहीं नहीं, आपके पास सबूत है तो आप दे दीजिए, आपके पास सबूत है, मौलाना के पास सबूत है, आप बोल दीजिए, डंकी की चोट पर कि नहीं है कोई अवैध निर्माण,
बीजेपी अध्यक्ष के घर पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, आप बोल सकते हैं? ये पहली बार हो रहा है कि आरोप लगाने वाला सबूत नहीं देगा, जो आरोपों से खंडन करता है वो सबूत पेश करेगा कि मैंने उनको भी पता है कि ऐसे कांग्रेस का आरोप सोशल मीडिया सेल्स है तो इनको ट्रोलिंग की बड़ी आदत है, प्लीज ट्रोलिंग की बड़ी आदत है। मुझे बोलने से नहीं, मुझे 10 सेकंड सोशल मीडिया सेल्स से नहीं, कैसे पर्सनल अटैक हो गया? आप तो अभी नए नए भाषा में मुझे बोलने तो दीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आऊंगी। आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर किस तारीख को चलेगा? अब जवाब सुनिए राधिका जी, प्लीज 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 मैम। भाई साहब देखिए, मुझे तो लगा कि राहुल गांधी से ही ये वापस फिर धीरे धीरे काम कागज नहीं दिखाएंगे, पर ये जरूर बताएंगे राहुल जी इधर चले गए, राहुल जी वो तो चले गए। ओ माय गॉड, राहुल गांधी 1000 किलोमीटर, राहुल गांधी को देख कर कहते हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, किसको डिसीड करना पड़ता है ओ माई गॉड। और इसीलिए हमने भी वही बोला, ओ माई गॉड आप तो बाहर रह गए, आप तो पार्लियामेंट के बाहर रह गए, आप तो देश के बाहर रह गए। घर पे बुलडोजर कौन सी तारीख को चलेगा? और अगर मैं गलत हूँ भेजिए राधिका जी प्लीज, या अपनी गुजरात की। अच्छा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे डेफामेशन नोटिस भेज दीजिए, पर अगर राजेश गुप्ता का घर इलीगल है मैं शिकायत नहीं करूंगा। शहजाद जी बोलिए, प्लीज राधिका जी, राधिका जी प्लीज, उनका दो लाइन का जवाब। अतिक्रमणकारियों को क्यों बचाते हैं अभी समझ में आया, खुद ही अतिक्रमणकारी और घुसपैठ कर आदेश गुप्ता को। अच्छा आप क्यों बता रहे हैं, आपने कितने कंप्लेंट फाइल किए? मैं तो नहीं करी, मैं बोल रहा हूं एक ही टॉपिक पे आप लोग अटके हुए, सुई अटकी, आगे बढ़िए। देखिए मैं केवल इतना कह रहा था कि एक है योगी मॉडल और दूसरा है इनका सेक्युलर ढोंगी मॉडल। इनसे पूछिए, ये सेक्युलर ढोंगी मॉडल चलाने वाले, ये सार्वजनिक जगहों पर नमाज तो इन्होंने परमिशन दे दी, पर हनुमान चालीसा पर क्यों केस हो जाते हैं, नववर्ष की यात्रा पर क्यों केस हो जाते हैं? बच्चा यही पूछ रहा था कि आप लोग सिर्फ धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली का आदेश कि रोजेदारों को बिजली देंगे परंतु बाकी धर्म का जिक्र नहीं करना, ये सांप्रदायिक है या सेक्युलरिज्म है, ये बता दीजिए कौन हिंदू और कौन मुसलमान कर रहा था? हिंदू टेरर कहते हैं, एक बार इनसे कह दीजिए कि कश्मीर जो मैं जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह दे, कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह देना, हिंदू टेरर तो रोज चीख चीख कर कहते हैं।